पेंड्री तालाब, जिसको चमत्कारिक तालाब के नाम से लोग जानने लगे हैं। कैसे पता चला यहाँ का रहस्य, इस तालाब की क्या है पूरी सच्चाई, कौन कौन से रोग होते हैं ठीक, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पेंड्री तालाब की पूरी सच्चाई, कितना पुराना है यह रहस्य, आइए इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं पेंड्री तालाब की पूरी सच्चाई। पेंड्री तालाब दोस्तों, यह मुंगेली जिला से लगा हुआ है, लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी में यह स्थित है। दोस्तों सबसे पहले बार दोस्तों यहाँ पास कौन आया था, कौन नहाया था, कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है, उसको क्या प्रॉब्लम था जो इसमें नहाने के बाद ठीक हो गया, दोस्तों पूरी जानकारी हम कवर करेंगे सिर्फ इसी वीडियो में। तो दोस्तों बात करते हैं पेंड्री तालाब कहाँ स्थित है। दोस्तों जब भी आप जाते हैं पेंड्री तालाब तो आपको मुंगेली से लगा हुआ 18 से 20 किलोमीटर की दूरी में आपको यह स्थान आपको देखने को मिल जाएगा, जो लोरमी रोड में स्थित है। अच्छा, के बार हो गया आप मतलब? तीन। तीसरा बार है। कहाँ लगते हैं आप मतलब, कहाँ समस्या लेके आ रहे हो? अब दर्द पीड़ा बसा के आ रहे हैं बेटा। हाँ, गोड़ हाथ पीड़ा थे मतलब, दर्द रहते पूरा शरीर भर पीड़ा। लगी साहब मतलब कि का कहते ठीक हुआ थे, इसे लगा थे? लगा। 10 किलोमीटर रेंगे लगते वहाँ से? हाँ। लगभग 10 किलोमीटर भीड़ के कारण जो है, पक्की रोड होए के बाद भी 10 किलोमीटर रेंगे पड़ते, गोड़ हाथ तो इसने पीड़ा की सोई था। सबसे पहले यहाँ कौन आया था और कौन स्नान किया, कौन पहले ठीक हुआ, दोस्तों आपको बता दें कि बेमेतरा जिला के एक छोटे से गांव कंवर गांव के रहने वाला एक कलार जात का एक व्यक्ति था, जो लोरमी आया था कुछ काम से अपनी मोटरसाइकिल से। दोस्तों ऐसा वहां का लोग बताएं तो दोस्तों वापसी में आते आते वह स्नान किए और उनको दोस्तों कुष्ठ रोग का समस्या था, जो गल गल के और उसका जो त्वचा वो अलग हो रहा था। दोस्तों ऐसे वहाँ के लोग बताए जानकारी देने के बाद, तो दोस्तों वहाँ के लोग जब ठीक हुए, वहाँ के लोग जो ठीक हुए तो दोस्तों उसके बाद अपने गांव में जाके वो चर्चा किया कि इस तरह से मैं आते आते स्नान किया और यहाँ से मेरा जो समस्या था, जो स्किन प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया। दोस्तों इस तरह से कारवा शुरू हुआ, ऐसे वहाँ के कुछ साधु संत बताएं, तो दोस्तों इस तरह से वहाँ भीड़ आज बहुत ही लाखों में तादाद में आज बढ़ गए। समस्या लेके आए? पैर में दर्द रही से। हाँ, हाँ। तो वह ठीक लगा थे। अच्छा। दो बार तो आ चुके, तीसरा बार है। हाँ, हाँ। हाँ, तो चिखला में बिल्कुल एकदम जबरदस्त बन ठन के हो मतलब। हाँ। आप यहाँ बिल्कुल लगा थे भरोसा कि आप ठीक होगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा थे, पैर के जो दर्द रही से वो ठीक हो गया। करे नहीं लगा भैया, गंगा सागर में चघाना एक ठी नरियर, एक ठी नरियर ला फोड़ना है, प्रसाद के रूप में लेखना है। के गाँव नहाए लगते? दो तीन खेप नहाए लगते। अच्छा, मतलब सोमवार के कोनो दिन आई शुक्रवार के घलावा जाते थे। हाँ, मतलब शुक्रवार के भी लोग नहाते। अच्छा, आन दिन और जो है ऐसा भीड़ दिखेल मिलते नहीं? ऐसा नहीं मिला भीड़ भाई। काम सोमवार और शुक्रवार के दिन, शुक्रवार और सोमवार के मिलते भीड़ है। हाँ, कब ले ऐसा भीड़ जो है शिकायत चलो सावन ले लगे भाई। हाँ हाँ, पहली जो है कैसन ढंग से बात हुई जेकर कारण ऐसा भीड़ लगे? सावन लिहरी जना आगू से मां के ये रही जना नरियर फोरत रहे ना, उलेगत रहे ना, बंकी उनकी आवत रही तेना कर जात रही। हाँ, हाँ। तो एकर कारण जो है मान्यता बढ़ा, मान्यता बढ़ाते कि से तेकर तकलीफ है तेना दूर होवत के गिगि सवाय ओ मन बढ़ावत गिन होवे। मोर दूसरा बारे है। ओ तोरो दूसरा बारे? हां, अब बहुत चले के आ रहो। अब हाथ पर इसने दर्द रहिस भैया, नॉर्मल अब सब आवत है। हां हां, पूरा श्रद्धा से आए थे। हां, आस्था श्रद्धा से आए हूं। और अन्य कई राज्य से आवत है नहाय ला, अब ओकर परिणाम बिल्कुल बाबा जी के आशीर्वाद से मिला था भाई। ये दे बाबू हाँ चल उठ बैठी सका थे ओकर। अच्छा, नाम से दे। हाँ। मतलब जो है विकलांगता कही सकते हैं? हाँ, हाँ, बचपन से है कि अभी कुछ समस्या रही बाद में? नहीं, बचपन से अभी उसने हो पाए के दो, 4 साल होने वाला है अभी। अच्छा, 4 साल हो गए है। बिल्कुल आप मन देख सकते हो, असाध्य रोग जी कही जा सकते, बचपन से विकलांगता है, वो मन भी आस्था लेके यहाँ आवत है। हाथ पैर पूरा दर्द होते, बार बार बीमार पड़ता थे, कल मैं कहीं सुने नहा के आ जाता ऐसे के महू आए। 3 बार नहा ले? हाँ, नहा ले। लगा था आप लगी आप ठीक हुआ तो? हाँ, ठीक। वहाँ के लोगों से जब पूछताछ किया तब पता चला कि आज लगभग
डेढ़ से 200 साल पहले वह जो तालाब था, एक छोटा सा एक गड्ढे के आकार का था वो, ऐसा बताते हैं। तो वहाँ पास अमरदास जो गुरु है वहाँ पास आके वहाँ से पूजा प्रतिष्ठा करके वहाँ उस जगह को प्रमाणित किया था। तो दोस्तों ऐसे वहाँ के लोग बताए थे। और दोस्तों अभी जो रिसेंट में दोस्तों अभी कुछ महीने पहले जो बेमेतरा के जो कंवर गाँव का निवासी हैं वह नहाया तब जाके पता चला। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो पेंडी तालाब के जो गाँव में रहने वाले व्यक्ति वहाँ तो कोई बीमार नहीं होगा, तो दोस्तों ये भी सवाल आता है। तो दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ के लोग उसके देखते हैं। यहाँ तक मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं खुद ये तालाब में कई बार नहाए रहे हूँ लेकिन श्रद्धा से नहीं नहाए रहे हूँ। अच्छा। जब श्रद्धा से नहाए ना तो मोर दांत दर्द करत रही से। अच्छा। जब दो नारियल लेके मैं डुबकी लगाए 7 बार तो मोर दांत के दर्द ठीक हो गए। जिन दांत ल तोड़वाए जाते रहे मैं नहीं गए। ये पिछले ये तीसरा सोमवार हाँ ये प्रमाणित है। तो दोस्तों यदि हम फाइनल बात करें तो दोस्तों वहाँ के लोगों से जब पूछताछ की तो हमको पता चला कि वहाँ सच में लोग ठीक होते हैं, ऐसे वहाँ का लोगों का कहना है। और क्या क्या चीज़ ठीक होते हैं दोस्तों उसको भी जान लेते हैं कि जैसे कोई प्रकार से जो शारीरिक समस्या है या स्किन प्रॉब्लम है, जैसे कुष्ठ हो गया, यहाँ तक कि दांत दर्द हो गया, लकवा का समस्या हो गया दोस्तों, जो मानसिक दर्द हो गया, सर दर्द हो गया दोस्तों, काफ़ी सारा समस्या वहाँ पास ठीक होते हैं, ऐसे वहाँ का लोगों का मानना है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी जा सकते हैं वहाँ पास, काफ़ी लोगों का भीड़ रहता है। आपको बता दें कि लगभग एक नहीं कम से कम 3 सोमवार आपको जाना पड़ेगा। और दोस्तों 3 सोमवार जाने के बाद आपको कंप्लीट रूप से आपको आराम मिल जाता है, ऐसा वहाँ का लोगों का कहना है। तो दोस्तों जब भी आप जाते हैं यदि आपको भी दोस्तों अगर आराम मिलता है, आप भी यदि ठीक होते हैं तो इस वीडियो में एक बार जरूर आप वापस आइए और कमेंट करके दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर को और हमको जरूर एक बार बताएं कि आपको कैसा लगा वहाँ में वहाँ नहाने के बाद। मिलते हैं अगली बार कोई नया ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए समाधान की ओर।